ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा एक शातिर अंतरजनपदीय चोर को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी किए गए दो महिंद्रा ट्रैक्टर, अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए किए गए बरामद। जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी छिनैती की घटनाओं के शीघ्र खुलासे हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में की रात्रि को थाना जसवंत नगर पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि शंकर ढाबे के पास बंद पड़े भट्टे के पीछे कुछ लोग दो ट्रैक्टर लिए खड़े हैं, जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना जसवंत नगर पुलिस टीम द्वारा ट्रैक्टर पर बैठे एक व्यक्ति को थाना क्षेत्रांतर्गत शंकर ढाबे के पास बंद पड़े भट्टे के पीछे से गिरफ्तार किया गया। वह तीन व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम निरंतर प्रयासरत है। और देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज जसवंत नगर थाने में एक ट्रैक्टर चोर पकड़ा गया है, जो वास्तुतः एक टीम, इनकी तीन टीमों में बटी हुई है। एक व्यक्ति मौके से उठाता है और एक डीलिंग वाले होते हैं जो कि बेचवाने का काम करते हैं, और वो तीसरा ऐसे व्यक्ति होते हैं जहां पर वो सेट करके पैसा वसूली करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चोर राजेश कुमार यादव नाम है इसका, ये रहने वाला लाइन पार फिरोजाबाद का है, लगभग 45 साल इसकी उम्र है। ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पोजीशन से दो ट्रैक्टर चोरी महिंद्रा के बरामद किए गए हैं। इनको पूछताछ से इसने बताया है कि इसमें टोटल 6 लोग इस गैंग में शामिल हैं। उसमें मैनपुरी का भी ट्रैक्टर इन्होंने चोरी किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अमरोहे में ट्रैक्टर बेचने का, मेरठ से भी कनेक्शन है इनका, साथ ही साथ मथुरा तथा फिरोजाबाद से भी इनका कनेक्शन है। इस पूरे अपराध में ये काफ़ी शरारती और बहुत ही गंभीर गैंग है। इसका रजिस्ट्रेशन भी मेरे द्वारा कराया जाएगा इस गैंग का। इसमें 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं फिरोजाबाद से, और अभी भी क्या कहते हैं 3 लोग अभी बाहर हैं, जिनको अभी जसवंत नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जाना है। तो ये दो ट्रैक्टर महिंद्रा के 2-2 लाख के जो बेचे गए थे, बरामद किए गए हैं। लगभग 4 लाख कीमत के ये ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं, जिनकी चोरी के मुकदमे जो है जसवंत नगर थाने में मई में और जून माह में क्रमशः दर्ज थे। इस प्रकार से एक बड़ी बरामदगी लगभग 4 लाख रुपए की ट्रैक्टरों की, और जो उसका दाम बेचा गया था वो बरामद किया गया है। अब दोनों ट्रैक्टर मिलाकर लगभग 10 लाख प्राइस के हैं, और इनको जेल भेजने की कार्रवाई राजेश यादव की जा रही। बाकी 3 मुजरिम जो वांछित हैं, और उन पर उनको जल्दी ही टीम लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।